हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम वैभव शर्मा। दोस्तों, कुछ कमेंट आए हुए हैं हमारे पुराने वीडियोस पे कि सर अभी क्या आउटलुक लग रहा है कोरोना के बाद, और अभी जो एनवायरनमेंट है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, वो कंडीशंस में, वो सिचुएशन में अभी आने वाले टाइम में क्या लग रहा है, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज, क्या बिजनेसेस हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये आपके मुझे कमेंट मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, वो हमारी टीम के थ्रू हमारे पास आए हैं। दोस्तों, तीन चीज पे फोकस कीजिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने पूरा स्टडी किया है, पूरा मार्केट स्टडी किया है, और आने वाले टाइम में ये तीन चीजें सबसे ज्यादा बूम करने वाली है। वो तीन चीजें कौन सी है, ध्यान से सुनिए। पहली जो चीज है सबसे पहले, वो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत बड़ा गेम होने वाला है। इंडिया भर भर के एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे मेडिसिन हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, बहुत सारा ग्रेन्स है। इतने सारे प्रोडक्ट इंडिया के पास हैं बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट पे फोकस कीजिए, इसके बारे में जानिए, इसके बारे में सीखिए, इसके बारे में वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, हमारा भी चैनल है, हमारी भी वेबसाइट है, उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री में मिलेगी, और मैं बहुत स्टडी करके सारी चीजें आपके लिए लेके आता हूं। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट पे फोकस कीजिए। पहला पॉइंट एक्सपोर्ट के फेवर में यह है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है सप्लाई करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के फेवर में, कि चाइना पे लोगों का ट्रस्ट बहुत कम हुआ है। पूरे वर्ल्ड में चाइना के लिए बहुत बड़ा मिसट्रस्ट पैदा हुआ है। लोग चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, चाइना के सामान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। चाइना पहले वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला देता है, फिर जो सारा सामान भेजता है, किट भेजता है, वो सब नकली होती है, उनसे रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है, तो वो सारी किट उनको वापस करनी पड़ती है। ये जो सारा सिनेरियो हुआ है दोस्तों, उसकी वजह से चाइना का ब्रांड वैल्यू बहुत खराब हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इसके उलट इंडिया का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। रीजन क्या है, जिस तरह से इंडिया ने ये पूरे माहौल को अपने यहां पे कंट्रोल किया, आज पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है, इंडिया फिर भी एक बेटर पोजीशन में है। दूसरा, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के लिए अपने दरवाजे खोले, सामान भेजा, दवाइयां भेजी, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया की बहुत बड़ी गुडविल पूरे वर्ल्ड में बनी है, तो वो अपने एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। एंड तीसरा पॉइंट जो एक्सपोर्ट के फेवर में है, कि आने वाले टाइम में पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देखेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत तबाही हुई है। बहुत सारी चीजें की रिक्वायरमेंट आने वाली है, बहुत सारी दवाइयों की रिक्वायरमेंट आने वाली है, बहुत सारी हाइजीनिक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है, मास्क, ग्लव्स, शू कैप, हेड कवर्स, एंड बहुत सारी चीजें, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, केमिकल्स, सैनिटाइजिंग एजेंट, सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट, एलोवेरा, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये तीन रीजन है। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है सप्लाई करने के लिए। दूसरा रीजन मैंने बताया कि चाइना और इंडिया में, चाइना से आगे इंडिया की ब्रांड इक्विटी निकल गई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका इंडिया को इम्पैक्ट पड़ेगा, फायदा मिलेगा। और थर्ड पॉइंट, पूरा वर्ल्ड आज इंडिया से सामान लेने की कंडीशन में है। पूरे वर्ल्ड में जो तबाही हुई है और उसके बाद जो उन्हें चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, वो सब इंडिया सप्लाई कर सकता है। तो लोग चाइना के कंपेयर में इंडिया को बेटर मान रहे हैं। ये मैंने आपको पहली चीज बताई, एक्सपोर्ट। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं ई कॉमर्स। आने वाले टाइम में जो आपने पूछा कि क्या आउटलुक रहने वाला है कोरोना के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद, सब कंट्रीज में यही माहौल चल रहा है, खुलने के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है खुलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? आपको क्या लगता है खुलने के बाद सब लोग बाहर जाएंगे, सब लोग शॉपिंग करेंगे, सब लोग मॉल में जाएंगे, सब लोग थिएटर में जाएंगे, सब लोग खाना खाने रेस्टोरेंट्स में जाएंगे? नहीं, लोग बचेंगे अभी ट्रैवल करने से, लोग बचेंगे अभी रेस्टोरेंट में जाने से, लोग भीड़ में जाने से बचेंगे, लोग घर पे प्रीफर करेंगे खाना, सामान मंगाना, डिलीवरी करना, सर्विस, ई लर्निंग, ये सब चीजें घर से चालू होने वाली है। आने वाले टाइम में कल्चर चेंज हो जाएगा, लोगों का परमानेंट बिहेवियर चेंज होने वाला है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो आने वाले टाइम में हाइजीन इंडस्ट्री बहुत बड़ी डेवलप होने वाली है, हाइजीन प्रोडक्ट बहुत सारे डेवलप होने वाले हैं। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में हर कोई चाहेगा कि मेरे घर पे चीजें आए और मैं घर से सारा मैनेजमेंट करूं, घर से अपना काम करूं, घर से अपनी स्टडीज करूं, घर से अपना बिजनेस करूं, घर पे ही रह के मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करूं। लोग चाहेंगे सारा सामान मेरे घर पे आए, उसके लिए ई कॉमर्स बहुत बड़ा गेम होने वाला है। अगर आप ई कॉमर्स पे नहीं है तो आपको होना चाहिए।
थर्ड पॉइंट लॉजिस्टिक, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि सब कुछ घर से चाहिए लोगों को, सबको अपनी जगह पे चाहिए चीजें, और लोग जाना ट्रैवल करना कम पसंद करेंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ी सप्लाई चेन की जरूरत पड़ने वाली है। आने वाले टाइम में सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक बहुत बड़ा एक फील्ड उभर के आने वाला है। तो आपको अगर जॉब के लिए जाना है तो लॉजिस्टिक्स में जाइए, सप्लाई चेन में जाइए। अगर आपको बिजनेस में जाना है तो लॉजिस्टिक के बिजनेस में, सप्लाई चेन के बिजनेस में आप लोग जा सकते हैं। आपको जो भी कुछ करना है, ये बहुत बड़ा फील्ड है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, एक्सपोर्ट, दूसरा मैंने आपको बताया ई कॉमर्स, और तीसरा मैंने आपको बताया लॉजिस्टिक्स। ये तीन चीजों के आसपास आपके बिजनेस को फाइन ट्यून कीजिए, अलाइन कीजिए, एडिशन कीजिए, और उसमें आपको जो भी हेल्प हमारी चाहिए, हम आपको उसमें पूरी हेल्प करने को तैयार हैं। हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए, उनसे समझिए। अगर आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जाना है ऑफिशियली तो हमारे साथ आइए, ई कॉमर्स में जाना है तो हमारे साथ आइए, आपको पूरा हेल्प मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा, यही हमारा काम है। और दोस्तों, हम लोग हमेशा आपके लिए तैयार हैं। और आपको जो भी सपोर्ट आपके बिजनेस में चाहिए, किसी को भी जॉब से मत निकालिए, अपनी टीम को, अपने लोगों को, उनका ख्याल रखिए ऐसे टाइम में, हम आपके साथ हैं। जो कुछ हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे, जितना कुछ हो सकेगा हम लोगों के लिए ऑलरेडी कर रहे हैं, और आपको जो भी कुछ सपोर्ट सर्विस चाहिए हम लोग सब लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे जो मुझे पूछे जा रहे हैं काफी टाइम से। मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आता हूँ जो मार्केट बेस होती है, ट्रेंड के बेस पे होती है, स्टडीज के बेस पे होती है, सर्वेस के बेस पे होती है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आगे भी मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी वापस आऊंगा कुछ नई चीजों के साथ।